ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कन्या राशि 2024 वर्ष फल कैसा रहने वाला है? कन्या राशि 2024 किस प्रकार का फल मिलने वाला है? कितना शुभ, कितना लाभ, और कन्या राशि वालों को किन-किन विषय पे ज्यादातर ध्यान देना है, उसके बारे में विचार करेंगे। तन मन धन जन गोपो लक्ष्मी कन्या राशि। कन्या राशि का 2024 किस प्रकार का फल लेके आ रहा है? कन्या राशि 2024 सबसे पहला ध्यान देने वाला विषय यही है कि लग्न के ऊपर केतु बैठा हुआ है, ये याद रखना चाहिए। और इन साल में कम से कम 2 बार तक बीमार में डाल सकता है, सबको नहीं, किसी किसी को, डिपेंड अपॉन योर कुंडली। वर्ष का बुध का गोचर लेके लग्नेश का गोचर और यहाँ पर आने वाले ग्रहों का दृष्टि स्थिति फल को अनुभव करते हुए वर्ष तमाम स्वास्थ्य का परिस्थिति कैसा रहेगा और सूर्य के डिफरेंट डिफरेंट गोचर को लेके आपके ऊपर क्या इसका इफेक्ट आने वाला है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। कन्या राशि, पहले ये जान ले कि इस साल भर तक 2024 में शनि बाबा आपके छठा स्थान में, सप्तम में राहु, गुरु बृहस्पति अप्रैल मई में गोचर कर जाएंगे आपके नवम स्थान में। तो कन्या के लिए एक भाग्य खोलने का समय 2024 है। कन्या राशि वाले बड़े लंबे समय तक कष्ट भोगे, शनि साढ़े साती, ढैया, पनौती, और शनि छठा में आके जो रिजल्ट करना चाहिए कन्या को, करते करते क्या करेगा, केतु आके घर में घुस के बैठ गया। यानी गुरु का गोचर के बाद ही कन्या के लिए 2024 एक तरह से उत्तम फल प्रदायक रहेगा। कन्या के वर्ष का प्रारंभ आपका लग्नेश बुध जनवरी से बकरी होके फिर मार्गी आपके तृतीय और चतुर्थ स्थान में गोचर करते रहेंगे। वर्ष का आरंभ थोड़ा सा वनरेबल रहेगा क्योंकि गंडमूल में गोचर करेंगे, मंगल के साथ टसल भी रहेगा, 7 के बाद फिर इधर आगे घुसेंगे। सूर्य पंचम में षष्ठ के ओर शनि कंबस्ट कर देंगे। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पहला 2-3 महीना कन्या के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल बन सकता है। उसके बाद सप्तम स्थान का राहु मंगल के साथ और सूर्य के साथ ग्रहण और मंगल के साथ अंगारक, ये मार्च अप्रैल में एक परेशानी का सबब बनेगा क्योंकि सप्तम स्थान पत्नी का स्थान, व्यवसायी का स्थान, गड़बड़ाएगा, बिगड़ेगा। संभवतः तो उस समय आपके व्यवसाय हाउस में आगजनी हो सकता है, पत्नी पति का विवाद बन सकता है। तो वो पीरियड थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है यहां। उसके बाद तो फिर आपके लिए सूर्य भगवान अच्छा लेके आएंगे और बुध का गोचर भी सूर्य के साथ अच्छा दिखाई दे रहे। इस साल आपका लग्नेश जब बकरी होंगे तो मैक्सिमम गंडमूल में ही बकरी दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम रहेगा। वर्षों तमाम राहु के दृष्टि में रहेंगे, अंगारक मंगल के दृष्टि में रहेंगे, फिर शनि जब मंगल के साथ ग्रह युद्ध होगा उस कंडीशन पे मंगल यहाँ आके
अष्टम दृष्टि में आपके ऊपर, फिर सप्तम दृष्टि में आपके ऊपर, तो वो टाइम पीरियड जो मैं बता रहा हूं वर्ष का, वो टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। फिर अष्टम स्थान में गुरु चल रहे हैं बाधा देने के लिए। फिर यहां भी सूर्य अप्रैल में और मई में यहां जो प्रवेश होगा, थोड़ा सा गुरु कंबर्सन और ये प्रॉब्लेमेबल फैक्ट थोड़ा सा रहेगा, रोग बाग का समय यहां बनेगा अष्टम का स्थिति में। उसके बाद आपके लिए फ्री फ्लो ऑफ एयर बनेगा और मई के बाद गुरु का दृष्टि कन्या राशि के ऊपर आना, ढेर सारे कार्यों में सफलता और एक परिस्थिति बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कन्या राशि का स्वास्थ्य ओवरऑल 60% का नंबर दे रहा हूं 2024 में, और क्योंकि केतु है इसलिए 100% नंबर नहीं दिया जा सकता। धन का स्थिति टॉप गुड बेस्ट, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, कोई मायकालाल 2024 में आपको नहीं रोक सकता है, लेकिन राहु शनि का दृष्टि है, छोटा भाई बहन और कम्युनिकेशन, ये दोनों क्षेत्र में कन्या राशि वालों को बहुत सावधान में चलना चाहिए। एक गलत कम्युनिकेशन आपका सारा मेहनत को बर्बाद कर सकता है। बहुत सारे यात्राएं दिख रहे हैं 2024 में, और भूमि भवन वाहन माता सुकमन का कंडीशन, जमीन खरीद फरोख बढ़िया रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन प्रारंभिक महीना जो मंगल का यहां रहना, फर्स्ट ऑफ द मंथ चतुर्थ स्थान के ऊपर, ये थोड़ा सा फरवरी तक प्रॉब्लेमेबल है। फिर कन्या का पंचम में जाएंगे, प्रेम प्यार में थोड़ा सा समस्या बिल्डअप होगा, तो चतुर्थ स्थान थोड़ा इस ईयर अगर पूरा परमानेंट एनर्जी को देखेंगे गुरु मार्गी होने के बाद अच्छा है। पंचम स्थान प्रेम प्यार फेब्रुवरी के बाद, फेब्रुवरी से मार्च तक मंगल का स्थिति रहेगा, हृदय में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद छठा में जाने के बाद तो शनि को शनि के साथ ग्रह युद्ध, शत्रु रिपूर्ण से विजय होने वाला स्थिति दिखाई देगा, बहुत सारे शत्रु पस्त होंगे, अंगारक बनाएगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल रहेगा। तो प्रेम प्यार ओवरऑल होल ऑफ द ईयर इज इन गुड कंडीशन। उसके बाद दाम्पत्य जीवन ले दे के मई तक समस्या रहेगा, मई के बाद समाधान का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन इस बात को ना भूलें कि जो भी कोलेटरल बिजनेस है ये बीच बीच में आपको झटका देता रहेगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा 2024 में फोकस करें। भाग्य का स्थिति कन्या के लिए नवम स्थान, यहां इसका अगर एनर्जी को देखते हैं ओवरऑल, गुरु आने के बाद तो और ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा, मई के बाद शत्रुगुरु रहेंगे, थोड़ा टसल रहेगा, लेकिन फिर भी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। करियर का बात, यहां बीच में 2-3 बार आपको थोड़ा सा समस्या झेलना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ढेर सारे माइलस्टोन पार करोगे, लाभ और धन, तो यहां पर आपके लिए शॉर्ट इन्वेस्टमेंट भी फ्रूटफुल जा रहा है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी फ्रूटफुल जा रहा है। महीना का 1-2 महीना ऐसा जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल होगा, लेकिन ओवरऑल बड़ा प्लैनेट और छोटा प्लैनेट, शॉर्ट ट्रांजिट प्लैनेट, लॉन्ग ट्रांजिट प्लैनेट, ओवरऑल आपके लिए वर्ष मजेदार रहने वाला है। और
विष्णु सहस्र नाम आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा की पॉइंट रहेगा। राहु केतु को कंट्रोल और बुध को भी एक अच्छा बल देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।